सतनाम श्री हरि। प्यारी साध संगत जी, आज जो आप सब दरबार साहब में हाजिर हैं, आप भी और जो हमसे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। उन सबको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। प्यारी साध संगत जी, हर रविवार हम गुरु ग्रंथ साहिब जी से जो हमें आज्ञा मिलती है वचन साहिब के रूप में, उसका सार जानते हैं, थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि बहुत ही सीधे सरल शब्दों में उसका अर्थ, उसका सार आप तक पहुंचा सकूं। यूं तो साधु संतों की वाणी इतनी गूढ़ होती है कि उसको आम मनुष्य की समझ में नहीं आ सकता। जो जो आपकी जागृति का स्तर बढ़ता जाता है, त्यों तो आपको उस वाणी की गहराई और समझ में आती जाती है और आप और उसमें गहरे बैठते जाते हो। जो हमें एक चीज साथ में लेकर चलनी है, जब भी हम कभी संतों की वाणी को समझने की कोशिश करें, वो है पूर्ण भक्ति, समर्पण और अपनी पूरी शुद्ध बुद्धि के साथ हम समक्ष बैठें, ताकि हमें वो अर्थ समझ में आए। आज का जो वचन साहिब हमें आज्ञा के रूप में मिला है, पंचवी पातशाही गुरु अर्जन देव साहिब जी की वाणी है, राग बिलावल महल्ला पंजवा, दुपदे घर आठवां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मैं नाही प्रभु सब किछ तेरा, इघय निर्गुण उघय सर्वगुण, केल करत बिच स्वामी मेरा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहते हैं कि उस एक ओंकार के बारे में जो हमें पता चलता है, वो हमें सतगुरु की कृपा से ही पता चलता है। वो सतगुरु का प्रसाद है जो हमें वो परम परमात्मा से लड़ाता है, उनके बारे में बताता है। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, मैं ना ही प्रभु सब किछ तेरा, कि प्रभु मेरे पास अपनी कोई ताकत ही नहीं है, सब किछ तेरा, हर एक चीज सब कुछ तेरी ही बख्शी हुई है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। एक है निर्गुण एक है सर्वगुण। एक है मतलब एक तरफ तो तू निर्गुण है। निर्गुण मतलब तीन गुण कहे जाते हैं, सतगुण, रजोगुण और तमसगुण। कहते हैं कि प्रभु ये है जो एक तरफ तो वो निर्गुण है, इन तीनों गुणों से परे है, उघय सर्वगुण, और दूसरी तरफ वो सारे गुण अपने अंदर लेके बैठा हुआ है जब वो अवतार लेकर आते हैं। कहते हैं कि इघय निर्गुण उघय सर्वगुण, केल करत बिच स्वामी मेरा, कहते हैं और इन दोनों ही हालातों के बीच में मेरा मालिक प्रभु ये जगत तमाशा बनाए हुए है। एक तरफ तो माया का इतना बड़ा संसार और दूसरी तरफ माया से परे, दोनों ही इधर जगत में है। कहते हैं इस जगत में निर्गुण सगुण दोनों का ही खेल बनाया हुआ है मेरे उस प्रभु परमात्मा ने। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, नगर में आप बाहर फुन आपन, प्रभु मेरे को सगल बसेरा। नगर मतलब ये शरीर कहते हैं, और नगर में आप कि हर एक शरीर में तो प्रभु स्वयं बसे हुए हैं। हम सब कहते हैं कि हर एक जीव के अंदर प्रभु का अंश होता है। कहते हैं उस नगर में तो आप बसे हैं। फुन मतलब दोबारा, फुन आपन प्रभ मेरे को सगल बसेरा। कहते हैं और बाहर भी सारे जगत में भी आप ही का दरबार लगा हुआ है, आप ही का निवास है, प्रभ मेरे को सगल बसेरा। चारों तरफ उन्हीं का बसेरा है, हर जीव के अंदर भी उनका बसेरा है। आपे ही राजन आपे ही राया, मतलब हर तरफ जब प्रभु का बसेरा है तो वो राजा भी स्वयं है और राया मतलब रियाया, रियासत, प्रजा, तो रियाया भी वो खुद ही है। अब देखो क्या मस्त खेल चल रहा है कि पक्ष में भी मैं हूँ, विपक्ष में भी मैं हूँ,
और मैं ही सारा खेल खेल रहा हूँ, खेल भी मैंने ही बनाया हुआ है। ये है प्रभु की लीला, हर चीज उसके हाथ में है। आपे ही राजन आपे ही राया, कह के ठाकुर कह कह चेरा। कहते हैं और वो कहीं कहीं तो वो स्वयं मालिक बना हुआ है और कहीं कहीं वो स्वयं चेला बनकर कार्य कर रहा है। मतलब बाहर भी प्रभु का वास है, हर जीव के अंदर भी प्रभु का वास है। सर्वगुण का खेल भी उसी ने बनाया, निर्गुण की जगत की माया भी उसी ने की, सब कुछ उसका ही बनाया हुआ है। काको दुराओ का से उबल बंचा, कहते हैं अब मैं किस तरह से छुपाऊं, किस तरह से मैं छल प्रपंच करूं। हम जो कार्य करते हैं ना, कई बार हम सोचते हैं कि ये हम प्रभु से छुपा लेंगे और हम ये सोचते हैं कि प्रभु को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो गुरु साहब फरमाते हैं, काकव दुराव कास्य बल बच्चा, कि मैं जिधर देखता हूँ हर तरफ तो परमात्मा ही है, अंग संग में बसा हुआ है, उसके बिना कहीं भी और कोई कुछ है ही नहीं। तो किस ओर से मैं वो छुपाऊं और किस ओर से मैं सोचूं कि ये छल मैं कर जाता हूं, प्रभु को पता नहीं चलेगा। सार जह जह पेखूं तह तह मेरा, कहते हैं मैं जहां जहां देखता हूं प्रभु तो मुझे सामने दिखाई देता है, इतना निकट दिखाई देता है कि मैं कुछ छुपा ही नहीं सकता। साध मूरत गुरु भेटियो, कहते हैं कि साधु की तरह ऐसा गुरु मुझे मिल गया है, पवित्र हस्ती वाला गुरु मुझे मिल गया है। गुरु मूरत भेटियो, साधु मूरत, साधु के रूप में मुझे मेरा गुरु मिल गया है। ऐसा साधु जिसने हर चीज साधी हुई है, हर चीज उसकी पकड़ में है। कैसे और वो कौन है उसके बारे में गुरु साहब ये आखिरी पंक्ति में फरमाते हैं। कहते हैं नानक मिल सागर बूंद नहीं अनहेरा, कहते हैं कि जिस तरह से अब ये मुझे समझ में आ गया है, जैसे समुन्दर में मिल के पानी की बूंद भी समंदर का ही एक हिस्सा बन जाती है, उसी तरह उस समंदर का एक बूंद के रूप में गुरु मेरे समक्ष है। मैं जानता हूँ यही उस समुन्दर का हिस्सा है। अब ऐसे गुरु से मेरा भेंट हो गया है और अब मैं भी अगर गुरु के रंग में रंग जाता हूँ तो शायद मैं भी उस परमात्मा के रंग में रंग जाऊँ, मैं भी उनके करीब आ जाऊँ। कितनी सुंदर वाणी है। गुरु के समीप होना मतलब परमात्मा के समीप होना। लेकिन कई बार बहुत से लोग हमें ऐसे भी मिलते हैं जिनको विश्वास नहीं होता है। वो कहते हैं कि हाँ परमात्मा है, लेकिन मन ही मन में उनके सवाल चलते रहते हैं। सवाल यूँ चलते रहते हैं कि भाई हाँ परमात्मा है, लेकिन मेरा ये कार्य तो हुआ नहीं, मेरा वो कार्य तो हुआ नहीं। कल की एक बात है, एक गुड़िया जा रही थी ऑटो से, तो मैंने पूछा तुम्हारा हेलमेट कहाँ है, तो कहती है हेलमेट की ज़रूरत नहीं है। कहा क्यों ज़रूरत नहीं है, तो कहती है कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, बाबा बैठा है ना। तो बड़ी प्यारी बात है, लेकिन हर जगह बाबा की ड्यूटी क्यों लगाते हो? वे जो काम हेलमेट कर सकता है वहाँ पे बाबा की ड्यूटी क्यों लगाते हो? काम अपने आप करो। विश्वास तो उसको बहुत है, घना विश्वास है, लेकिन कई बार हमें अपनी जो बुद्धि भगवान ने दी है उसका भी सदुपयोग करना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कार्य नहीं होता है उनका तो सीधा नकार देते, नहीं यहाँ पे तो कुछ नहीं है, दूसरा स्थान दूसरा दर ढूंढने चले जाते हैं। ऐसे ही क्या हुआ, एक कथा सुनाती हूँ आपको। जिनका कार्य नहीं होता है कहीं वो मन से समर्पित नहीं होते, हमें ये ध्यान रखना चाहिए। जिस दिन समर्पण हुआ आप गुरु के रंग में रंगे, मतलब आप परमात्मा के रंग में रंगे। तो कथा कुछ यूं है, एक बार एक व्यक्ति नाई की दुकान पर गया बाल कटवाने के लिए। नाई और उस व्यक्ति के बीच में ऐसी बातें होती रही, वो उस चेयर पे बैठा था, नाई अपना काम कर रहा था, दुनिया भर की बातें हो रही थी। तो नाई ने उस व्यक्ति से पूछा कि भैया राम मंदिर के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? तो जो बाल कटवा रहा था उसने कहा आहा हा क्या तो अद्भुत नजारा है, क्या तो दिव्य मंदिर बना है।
ये तो ऐसा लगा है जैसे श्री रामचंद्र जी हमारे समक्ष आ गए हैं। तो कहता है तो मतलब तुम भगवान को मानते हो? कहता हाँ हाँ मैं मानता हूँ। और तुम? तो नाई कहता है नहीं मैं ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, इसलिए तुम मुझे नास्तिक भी कह सकते हो। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि भगवान नहीं होते हैं? तो नाई ने कहा जब तुम बाहर सड़क पर जाओगे तो तुम समझ जाओगे कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। अगर ईश्वर होते तो क्या इतने लोग भूखे मरते? क्या इतने सारे लोग बीमार पड़ते? दुनिया में इतनी हिंसा होती या कष्ट या पीड़ा होती? ये सारे दुख कष्ट गरीबी ये सारी चीज़ें बताती हैं कि भगवान नहीं है। भगवान होते तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। मैं ऐसे निर्दयी भगवान की कल्पना ही नहीं कर सकता जो इन सब चीज़ों की अनुमति दे, जो अपने इतने सुंदर संसार में ये सब चीज़ें भी बनाए। व्यक्ति ने थोड़ा सोचा कि भाई ये तो बड़ी अजीब बात कर रहा है, लेकिन वो वाद विवाद नहीं करना चाहता। तो उसने सोचा कि ठीक है भाई अभी मैं चुपचाप रहता हूँ, कहीं मेरी दाढ़ी खराब कर दी तो मैं बाहर क्या मुंह लेके जाऊँगा। चुपचाप उसने अपनी दाढ़ी बनवाई, बाल कटवाए, सुनता रहा नाई की बातें। नाई ने अपना काम खत्म किया और वो व्यक्ति नाई को पैसे देकर दुकान से बाहर आ गया। वो जैसे ही नाई की दुकान से बाहर निकला तो उसने क्या देखा कि सड़क पर एक लंबे घने बालों वाला व्यक्ति खड़ा है। दाढ़ी भी बड़ी हुई है, लग रहा था बहुत दिन से नहाया भी नहीं है, और ऐसा लग रहा था इतने लंबी लंबी उसकी जटाओं को देखकर जैसे उसने महीनों से अपने बाल नहीं कटवाए ना धोए। वो व्यक्ति वापस नाई की दुकान में गया और नाई से कहा वो तुम आदमी को जानते हो क्या? तो नाई ने कहा मैं जानता हूँ, रोज यहीं पे बैठा रहता है। तो कहता है इसको देखकर मुझे एक चीज तो समझ में आ गई। कहता है क्या? कहता है ये है कि नाइयों का अस्तित्व नहीं होता है। तो नाई बड़ा जोर से हंसा, कहता है ये क्या तुम बेकार की बातें कर रहे हो? तो व्यक्ति कहता है नहीं मैं सही कह रहा हूँ, नाइयों का अस्तित्व नहीं होता है। फिर नाई को थोड़ा गुस्सा आया, कहता है क्या ये बेकार की बात लेकर बैठा है, क्या मैं तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैं यहाँ खड़ा हूँ तेरे सामने और मैं एक नाई हूँ, अभी अभी तेरे बाल काटे भूल गया? कहते नहीं, अगर नाई होते, अगर होते तो क्या बाहर इस तरह का व्यक्ति कोई होता जिसके लंबे बाल बड़े हों, बड़ी हुई दाढ़ी हो? अगर नाई होता तो इस तरह के लोग बाहर नहीं होते। तो नाई ने कहा कि अगर वो व्यक्ति किसी नाई के पास बाल कटवाने जाएगा ही नहीं तो नाई उसके बाल काटेगा कैसे? कहता यही तो मैं कह रहा हूँ, ईश्वर भी होते हैं लेकिन कुछ लोग ईश्वर पर विश्वास ही नहीं करते, ईश्वर के पास नहीं जाते, तो ईश्वर उनकी मदद कैसे करेगा? ईश्वर देखता तो सबको है, लेकिन जब हम भगवान के पास जाते ही नहीं हैं, उनसे अपनी व्यथा कहते ही नहीं हैं, और हम उनसे ये भी उनको हम समर्पित नहीं करते कि भाई आज अगर आप नाई के पास जाते हो तो आपको पता है कि भाई अगर भाई गुस्सा हो गया तो कहीं उस तरह गड़बड़ चल गया मेरे बाल बिगड़ जाएंगे, तो आप पूर्ण विश्वास के साथ उसकी उस कुर्सी पे जाके बैठते हो। इसी तरह से पूर्ण विश्वास के साथ जब आप प्रभु के पास आते हो, अपनी भक्ति अपना प्रेम अपना समर्पण लेकर, प्रभु आपकी बात टाल ही नहीं सकते। विश्वास ही सत्य है, अगर ईश्वर पर विश्वास करते हो तो हमें हर पल ये अनुभूति होती है, और अगर हम विश्वास नहीं करते तो हमारे लिए उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए गुरु साहब ने भी अपनी वाणी में कहा है कि मैं जहाँ देखता हूँ मुझे तो प्रभु ही दिखाई देते हैं, निर्गुण रूप में भी, सगुण रूप में भी, अपने अंदर भी, बाहर की दुनिया में भी, यहाँ तक कि खेल भी उनका रचा हुआ है। क्या तो उनका समर्पण है, क्या उनका प्रेम। गुरु साहब के चरणों की रज तो बाद की बात है, अगर हम उनके बोली हुई इस वाणी का थोड़ा सा भी अर्थ समझ ले तो समझो अपना बेड़ा पार। ये है आज की शिक्षा।
सतनाम श्री हरिद्वार के। Finish.